गाली ला रहा है यार, मेरी तार कर दे। चल एक मिनट खोल जाओ और खोलो भाई और खोलो। फाड़ दे जी, फाड़ दे एक मिनट। कर लें सानू हूं देखो ये जो इलेक्शन हो रही है पार्लियामेंट की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए, क्योंकि देश की जो सुरक्षा है, देश की जो इंटेग्रिटी और यूनिटी है, इस पर जो हमले हो रहे हैं अपने गुआंडी देश से, और जो 5 साल में मोदी सरकार ने पाकिस्तान का मुंह तोड़वा जवाब दिया है, और जो विरोधी पार्टी प्राप्तियों पर क्वेश्चन कर रही है, वो मुद्दे होंगे इलेक्शन में। और पंजाब में विशेष तौर पर पंजाब की अमन शांति, पंजाब में आपसी भाईचारा, पंजाब में हम चाहते हैं कि जो भी लोग रहते हैं, वह चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, वो सब एक ब्रदरहुड की तरह, भाईचारे की तरह रहें, ताकि पंजाब में जब अमन शांति होगी तो देश विकास करेगा। लुधियाना के लुधियाना में बिट्टू ने कुछ भी नहीं किया। लुधियाना के लिए हम विशेष पैकेज ले आएंगे, इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्री की बात करेंगे, किसानी की बात करेंगे, यूथ की बात करेंगे, व्यापारी की बात करेंगे, हर वर्ग को साथ लेके उनका विश्वास जीतेंगे और उनकी आवाज़ उठाएंगे, और उनके लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ला सकते हैं वो लाएंगे। आपको ये तो इट्स राइटिंग ऑन वॉल, अपोजिशन यूनिटी नहीं कर सकी, वो सरकार कहाँ से बना लेगी? 23 पार्टी लड़ी थी, अब 3 रहेगी, तो कभी सरकार बना सकेंगे? नेगेटिव यूनिटी नहीं कभी होती, पॉजिटिव अप्रोच हमेशा लाइफ में पे करती है। मोदी जी आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी कि और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होंगे?